तो हेलो गाइस, कैसे सारे आज आपके लिए लेके आ चुके हैं कंपैरिजन। दो चीज़ों में कंपैरिजन रहने वाला है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया जो मार्केट में जो क्लोन्स मिलते हैं आपके क्लोन में क्या फ़र्क रहता है, क्योंकि यार देखो दिखने में सारी चीज़ें सेम है, बॉक्स सेम है, जो फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें सेम है, पर फ़र्क क्या है, क्यों हम आपसे बाई करें, इसका रीज़न आप दो हमें। क्या चीज़ मार्केट में मिलती है, क्या चीज़ हम बेचते हैं, और जो इंस्टाग्राम पे आजकल लोग ये जो स्पॉन्सर्ड करके जो वीडियो बनाते हैं वो ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, उनसे मैंने एक पीस मंगाया है, दूसरा हमारे वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। आज प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे इन डेप्थ, सारी एक एक डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। ये भी मार्केट में आपको 1800 2000 रुपये 2500 रुपये 3000 रुपये तक मिल जाएगा, ठीक है। अपना जो प्रोडक्ट है वो भी ऑलमोस्ट 1700 1800 के बीच में रहता है। तो फटाफट से कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग पे आ जाते हैं। जो मार्केट में जो आजकल चल रहा है ANC बोल के, बॉक्स का आप सबसे पहले तो डिफरेंस देख लो। प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख सकते हो दोनों की, इधर से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर फ्रंट से अगर मैं बॉक्स के साइज की बात करूं तो जो अपने वाला है वो थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है कंपैरिजन इससे अगर मैं करूं तो। दूसरा अगर मैं आप वेट पे आ जाता हूं, क्योंकि जो मेन चीज है भैया वेट, सिमिलर ओरिजिनल से है नहीं है, और मार्केट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहने वाला है ऑलमोस्ट 153 ग्राम। तो अगर आपको दिख रहा हो क्लियर 153 ग्राम ये है, और अपने वाला अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ऑलमोस्ट 50 ग्राम का वेट का फ़र्क रहने वाला है। वेट का फ़र्क भाई सबसे पहले तो है गत्ते की क्वालिटी। अंदर से आप देख सकते हो ये कैसा ऑफ वाइट सा है, ठीक है, और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो गत्ते की क्वालिटी। गत्ते का वेट भी मान के चलो 1-2 ग्राम का, इन दोनों में भी फ़र्क रहने वाला है। दूसरी चीज़ अगर मैं आ जाऊँ तो मैनुअल का भी वेट का फ़र्क रहने वाला है। मैनुअल में जो ये देखो आप, इसकी चौड़ाई देखो और इसकी चौड़ाई देखो, तो ये डिफरेंस रहने वाला है। दूसरी चीज़ जो फ़र्क रहता है एयरपोर्ट का, तो अभी हम साइड में रख देते हैं। दूसरी चीज़ जो डिफरेंस रहता है ये देखो, अपने वाले में प्रॉपर प्लास्टिक का रहता है, और ये चीज़ देखो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का ये रहने वाला है। चौथी चीज़ आप देख सकते हो अंदर से, ये जो अपना प्रॉपर पैक रहने वाला है, यहाँ पे आपको देख सकते हो पाइपिंग हो रखी है पूरी, और ये जो आता है ये आता है आपका हल्के वाली क्वालिटी में, प्रॉपर प्लास्टिक में रहने वाला है। ये केबल भी हल्की क्वालिटी की रहने वाली है, और अगर मैं इसको ये खोल के दिखाऊँ आपके जो ईयर टिप्स होते हैं, ये देखो ये कैसे बिखरे हुए से हैं, ऐसे लग रहा है किसी ने ऐसे ही रख दिए हैं। अब आते हैं अपनी वाली क्वालिटी में, अपनी वाली क्वालिटी में क्या चीज़ रहने वाली है। सबसे पहले तो प्रॉपर इसमें ब्रैकेट है, प्रॉपर अपनी जो केबल है प्रॉपर देख सकते हो सेट रहने वाली है। दूसरी चीज़ अगर मैं ईयर टिप्स पे आ जाऊँ, ईयर टिप्स में इसमें प्रॉपर यहाँ पे साइज़ मेंशन रहने वाला है। अगर मैं इसे खोलूँगा ना, ये देखो आप साइज़ मेंशन रहने वाला है XS LS, प्रॉपर साइज़ मेंशन रहने वाला है जैसे ओरिजिनल में रहता है। और दूसरी बात ये देखो, प्रॉपर इसमें ना आपको ब्रैकेट बना हुआ है सारी चीज़ें सारा सामान रखने के लिए। तो ये आ गए मेजर जो बॉक्स का डिफरेंस है, ठीक है। अगर सेम चीज़ अगर मैंने पीछे की बात करूँ, मैंने पीछे की बात नहीं करी, देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी जो ये है, ये देखो कैसे चिपकी हुई है, ये चीज़ ना चिपकी हुई है। और अगर मैं अपने वाले की बात करूँ तो ये देखो ये प्रॉपर सील है, ये एप्पल एयरबड्स प्रो, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहने वाली है। सील पे भी सारी चीज़ें 2024 और सारी चीज़ें मेंशन रहने वाली है। ये डिफरेंस रहता है क्वालिटी में, पैकेजिंग की क्वालिटी में, ठीक है। तो गाइस एक और डिफरेंस मैं आपको दिखा दूँ, देखो दोनों ANC है यहाँ पे, ANC दोनों के लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला टाइप सी है, नॉर्मल वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं देखो पैकिंग जो अपने वाले की रहने वाली है। यहाँ पे देखो आप एप्पल का पूरा जो ओरिजिनल में मेंशन रहता है, ये देखो यहाँ पे एप्पल INC, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन। इसकी जो पैकिंग है वो सिंपल रहती है। अब इसे मैं फटाफट आपको खोल के भी दिखाता हूँ। अब आएगा मेजर डिफरेंस, मेजर फ़र्क आपको यहीं से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप पीछे देख लो, पीछे की जो प्रिंटिंग है, ये चीज़ यहीं से डिफरेंशिएट होता है कि आप कैसा प्रोडक्ट ले रहे हो, कितने का ले रहे हो। अगर कोई ये चीज़ दे रहा है आपको जो ये वाली प्रिंटिंग है, तो आपका प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी एक नंबर रहने वाली है। अगर कोई ऐसे प्रिंटिंग दे रहा है जैसे ये देख सकते हो आप, तो ये बेसिक क्वालिटी में आ जाती है, ठीक है। ये जो प्रिंटिंग है इंडियन प्रिंटिंग है, ये जो प्रिंटिंग है फैक्ट्री प्रिंटिंग है, जहाँ से प्रोडक्ट बन के आ रहा है वहाँ की प्रिंटिंग है ये, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ पीछे की तरफ, पीछे की तरफ आप दोनों देख सकते हो हिंज इसका जो रहने वाला है, देखो यहाँ से कितना उठा हुआ है, और इसका सिंपल, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, नीचे तरफ ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सेम रहने वाली है,
लोकेशन भी सेम रहने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों की ये भी लोकेशन सेम रहने वाली है। अब मैं खोलता हूँ, खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक बारी बड्स निकाल दूँ दोनों के, ये देखो ये वाली जो रहने वाली है अपनी वाली क्वालिटी रहने वाली है। अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर और बैटरी, और यहाँ पे देख सकते हो USA मॉडल लिखा हुआ A2, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ जो मार्केट वाला है, सबसे बुरी जो चीज़ है इसमें बार बार आवाज़ आएगी आपकी, क्योंकि जो अपने वाला है उसमें एक बार ही कनेक्शन हो जाए उसके बाद आवाज़ नहीं आती है। इसमें जो होता है कॉपी के वाले में, इसमें बार बार आवाज़ आएगी, ढक्कन खोलोगे तब आवाज़ आएगी, क्योंकि इसमें जो होता है सेट नहीं होता कि कब आवाज़ करनी है कब नहीं। यहाँ पे देखो सीरियल नंबर ANC USA ये सारी चीज़ें मैंशन रहने वाली, इसी से आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी जो प्रिंटिंग है सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख सकते हो। और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी आप देखो, मैं आपको दोनों की दिखाता हूँ, ये देखो दोनों में ज़मीन आसमान का प्रिंटिंग क्वालिटी का फ़र्क है। दूसरी चीज़ में देखो लिखा हुआ है 600 mAh, बट इसमें 600 mAh होती नहीं है, क्लोज टू 500 समथिंग होती है इसकी, ठीक है। वही मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपको प्रॉपर 600 mAh की बैटरी मिलेगी। और दिखने में भी अगर मैं वैसे फिजिकल आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा, बट जो ये है ये थोड़ा ज़्यादा वाइट में है, ये जो है ये थोड़ा ऑफ वाइट में, जैसे ओरिजिनल होता है ना उस तरीके का दिखता है। तो ये ऐसे आपको शायद ही पता चलेगी ये चीज़, लेकिन ये फ़र्क इसमें रहने वाला है। और अब मैं आ जाता हूँ दूसरे डिफरेंस पर, जो हिंज है ये देखो, इसका जो है बहुत ज़्यादा आपका मतलब वैसे हैवी रहने वाला है, मूव करोगे तो बिल्कुल स्मूथली मूव होता है। देखो इसका देखो बहुत ज़्यादा लूज रहने वाला है, तो इससे भी आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि मतलब ये वाली क्वालिटी कैसी रहने वाली। ये मैंने अपना जो लिया है ये सिंपल वाला लिया है, इसमें देख सकते हो आप वायरलेस चार्जिंग नहीं है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। और देख सकते हो नीचे अब जो अपना है, वो है पैड वो ऑन है, और नीचे देख सकते हो वायरलेस चार्जिंग नहीं हो रही है। और जैसे कि देख सकते हो मैंने इसमें लगाया तो इसमें यहाँ पे रेड लाइट जल गई है और आवाज़ भी आई है चार्जिंग के। तो गाइस अब आते हैं एयरपॉड्स को कनेक्ट करता हूँ अपने आईफोन से, आपको दिखाता हूँ कि जो फीचर वाइज दोनों में कुछ डिफरेंस है या फिर दोनों सिमिलर रहने वाले हैं। मेरा आईफोन रहने वाला है, मैंने खोल दिया है। सबसे पहले मैं आपको एक बारी जो मार्केट वाला है वो वाला एक बार ट्राई करवा देता हूँ। ये देख सकते हो मैंने कैप इसकी खोल दी है और इसका भी आ गया है फटाफट से। मैं पीछे वाला बटन दबा के रखूँगा और ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब जैसे देख सकते हो प्रॉपर कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे भी सारी चीज़ें आ गई हैं। और जो मेजर जो डिफरेंस है माइक का, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और अगर मैं अपने वाले एयरपॉड्स की बात करूँ, मेरे वाले एयरपॉड्स में भी सारी चीज़ें दिखाता है। तो गाइस मैंने अपने वाले एयरपॉड्स अभी कनेक्ट कर दिए हैं, अब डिसकनेक्ट कर दिए थे, अब मैं दोनों को बाहर निकाल लेता हूँ। भाई जैसे कि देख सकते हो एयरपॉड्स हैं अभी मेरे पास, एयरपॉड्स रखे हुए हैं, तो इसमें मेरा ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑन है। जैसे मैं एयरपॉड्स को हाथ लगाऊंगा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ये फीचर आपको कोई भी क्लोन में नहीं मिलेगा, ये मेरे से 100% लिख के ले लो। रख दिए मैंने एयरपॉड्स, वो चीज़ हट गई। जैसे मैं इसे उठाऊँगा ये देखो, ये फीचर आपको कोई भी कॉपी कोई भी क्लोन में नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने ही पैसे दे दो। ये मैंने इधर रख दिया और वो चीज़ हट गई, ठीक है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन कहते हैं इसे, इसमें सेंसर होता है, जैसे ही मैं उठाऊंगा यूज़ करूंगा और ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसे बटन को प्रेस रखूँगा, देख सकते हो आप यहाँ पे, तो वो चीज़ जो ये स्विच होता है ऑटोमेटिकली नॉइज़ कैंसिलेशन में स्विच हो जाएगा। अब मेन जो चीज़ आती है नॉइज़ कैंसिलेशन, भाई इसमें जो नॉइज़ कैंसिलेशन है उसकी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला है। दोनों में नॉइज़ कैंसिलेशन का ज़मीन आसमान का डिफरेंस रहना है। जो अपने वाले एयरपॉड्स हैं वो बिल्कुल कान सुन कर देते हैं भाई, बिल्कुल कान सुन कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि भैया मेरे पास एयरपॉड्स हैं, अब मैं उन दोनों को ऐसे बाहर निकालता हूँ और एक साइड में रख देता हूँ तो उसमें वो वाला साइन आता है। अब इसमें उठाने पर देखो ये चीज़ आती है, तो इसको ऑटोमेटिक डिटेक्शन कितना परफेक्टली वर्क करता है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर, माइक क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी। अब साउंड क्वालिटी में ऐसे आपको चला के तो आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम रहने वाली है। जो बेस रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा बेस रहने वाला है। इनकी जो आवाज़ होती है, इनमें बेस नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, इनकी जो आवाज़ होती है
जो ये वाले एयरपॉड्स हैं इनमें बिल्कुल भी बेस नहीं होता, ठीक है। जो अपने वाले उसमें अच्छा बेस है, अच्छी साउंड क्वालिटी है, जैसे ओरिजिनल है, सिमिलर टू ओरिजिनल साउंड क्वालिटी रहने वाली है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ दूसरी चीज़ की, दूसरी चीज़ जो रहने वाली है माइक क्वालिटी। अगर मैं माइक क्वालिटी, अब मैं इसको ना एयरपॉड्स को अपने कान में लगाता हूँ और जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको फंक्शन में ऑन करता हूँ, तब आपको क्लियरली जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरा वो चीज़ ऑन हो गया। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग इसका ऑन करता हूँ एक बारी और रिकॉर्ड करता हूँ कोई भी चीज़। अब आप साउंड क्वालिटी इसकी सुनना कैसी आ रही है, ठीक है। वो मैंने उसमें डालते हैं और आवाज़ देख सकते हो, आवाज़ बिल्कुल क्लियर रहने वाली है, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले एयरपॉड्स को कनेक्ट करता हूँ और उसकी आवाज़ आपको एक बार सुना देता हूँ। देख सकते हो कैसे दबी दबी सी आवाज़ आ रही है। अब मेरी वाली की आवाज़ सुनिए, ठीक है। और इसकी आवाज़ सुनिए, बिल्कुल क्लियर आवाज़ रहने वाली है। जो अपने वाले एयरपॉड्स है, माइक क्वालिटी एक नंबर, साउंड क्वालिटी एक नंबर, प्लस जो सारे फीचर्स ओरिजिनल में रहते हैं सारे के सारे अपने में रहने वाले हैं। बॉक्स की क्वालिटी एक नंबर रहने वाली है। वायरलेस चार्जिंग रहने वाला है, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं आता, इसमें प्रॉपर वायरलेस चार्जिंग रहने वाला है। दूसरी तीसरी चीज़ जो आ जाते हैं साउंड क्वालिटी पर, साउंड क्वालिटी मैं आपको सुना तो नहीं सकता, लेकिन जो अगर मेरी बात मानो तो एक नंबर साउंड क्वालिटी भी रहने वाली है। बैटरी लाइफ इसकी 8 से 8 घंटे एक चार्ज में निकाल देती है, इसकी 3 से 4 घंटे आपकी बैटरी लाइफ रहती है। दोनों में ये डिफरेंस रहने वाला है। बाकी सारी चीज़ें ब्रदर आपके ऊपर हैं, जैसा आपको जो चीज़ अच्छी लगे। हमारी तरफ से एक गिफ्ट रहता है अगर हमसे आप एयरपॉड्स लेते हैं तो, यह जो रहने वाला है ये H2 चिप वाला रहने वाला है, इसमें आपका एक चिपसेट आता है और चिपसेट की वजह से इसमें जो आपकी जो माइक क्वालिटी है, ANC का लेवल है और बाकी जो साउंड क्वालिटी है उसकी वजह से चीज़ अच्छी रहती है। इसमें जो है ये सिंपल रहते हैं एयरपॉड्स, इसमें आपकी जो माइक क्वालिटी वो आपको अच्छी नहीं रहने वाली। साउंड क्वालिटी इसमें जो आपका विदाउट बेस रहती है, बिल्कुल जो वो होती है ना, मतलब 200-300 वाले आपने एयरपॉड्स सुने होंगे वैसी कुछ साउंड क्वालिटी रहती है। और तीसरी चीज़ ANC का तो ना के बराबर ANC रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं गिफ्ट पर। गिफ्ट ये हमारी तरफ से कि केस पाइजन का फ्री रहने वाला है। अगर किसी को परचेज़ करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप ये वाला प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो। अगर किसी के बजट में ये वाला प्रोडक्ट नहीं आता क्योंकि इसकी कॉस्टिंग 1800 है, तो हमारे पास एक 1200 रेंज का भी एक प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो भी हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड है, वहाँ से आप वो वाला प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं। उसकी भी अच्छी क्वालिटी है, अच्छी आपका अच्छा बेस वाला प्रोडक्ट रहने वाला है, 1200 रुपये उसकी कॉस्टिंग रहने वाली है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।